Do you want to get into the fashion industry but don't want to become a fashion designer? Or do you want to learn the business side of fashion, not the construction of apparel? Then stay tuned till the end because this video is exactly for you. Welcome back to our YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also a NIFT alumni. And in this video, we're going to talk about the most exciting program offered by the National Institute of Fashion Technology, which is Masters in Fashion Management, which combines beautifully the management and the fashion industry. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. So basically this course was started because there was a gap in the industry. जिन लोगों को फैशन पसंद था वो लोग फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करके फैशन डिज़ाइनर्स बन जाते थे, पर ब्रांड्स को चाहिए थे ऐसे लीडर्स जो उनके मैनेजमेंट पोजीशन को संभाल पाएँ. मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए उनको मिलते थे MBA ग्रेजुएट्स जिनको फैशन का उतना नॉलेज नहीं था. सो इसकी वजह से एक गैप बन गया था इन मैनेजमेंट जॉब्स के लिए. सो इसके कारण निफ्ट ने इन द ईयर 1986 में ये कोर्स को लॉन्च किया था, which is Masters in Fashion Management, designed to create the future leaders of the fashion industry. इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है about the marketing, management, retailing and merchandising of the fashion industry. So basically they are not teaching you about the other part of fashion, which is sewing and pattern making and garment construction. They are just teaching you the business side, the entrepreneurial side of the fashion industry. Masters in Fashion Management is a 2 years post-graduation course offered by the National Institute of Fashion Technology. इसमें आपको पढ़ाया जाता है about the consumer behavior, कि brands कैसे काम करते हैं, retailing कैसे की जाती है, management कैसे किया जाता है किसी brand का, and about the merchandising part also. Now let's talk about the eligibility criteria and the admission process for the MFM course. So MFM course के लिए सबसे पहले आपके पास 10+2 के साथ साथ एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. ग्रेजुएशन 3 साल का हो या 4 साल का हो दोनों चलेगा, बट इट शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है फ्रॉम सम प्रेस्टीजियस कॉलेज लाइक NID और NIFT, दैट ऑल्सो वर्क्स. एलिजिबिलिटी में एज फैक्टर भी होता है, बट बिकॉज इट्स अ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इसमें एज के लिए कोई सर्टन क्राइटेरियाज नहीं है. सो अगर आपको ग्रेजुएशन किए कुछ साल भी हो चुके हैं, हमने 2-3 अटेम्प्ट्स और दे चुके हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. एज की कोई ऐसी कोई खास लिमिट नहीं है. इसके अलावा स्ट्रीम की बात कर लें तो मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है. या आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, MFM का उससे कोई मतलब नहीं है. आप किसी भी बैकग्राउंड से होने के अलावा भी ये एग्जाम को आप फाइट कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की. सो एंट्रेंस एग्जाम वैसा ही होता है जैसे निफ्ट के अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक BDES एंड MDES, बस इसमें पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इसमें आपको गैट देना पड़ता है पर कैट नहीं देना पड़ता, जो कि आपको BDES और MDES में देना पड़ता है. सो इसमें एज सच कोई भी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट नहीं होता, इसमें आपकी ड्रॉइंग स्केचिंग स्किल्स को टेस्ट नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ आपके एप्टीट्यूड, GK और इंग्लिश पार्ट्स को चेक किया जाता है इन योर गैट एग्जामिनेशन. गैट एग्जामिनेशन से जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तब आती है बारी द सेकेंड स्टेज ऑफ द एग्जाम, विच इज द GDPI एग्जाम. ठीक है, कुछ साल से GD जो है वो नहीं हो रहा है, सिर्फ PI हो रहा है. लॉकडाउन के पहले यानी कोविड-19 के पहले GD भी हुआ करता था, पर अब से सिर्फ PI होने लगा है. PI स्टैंड्स फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू बीच में कुछ ऐसे भी राउंड्स हुए थे जब ऑनलाइन जूम के थ्रू हुआ था, बट अभी जब सारे कोविड की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और ऐसा सच कोई लॉकडाउन का कोई सीन नहीं है, तो अभी आपको दिल्ली जाके PI देना देना पड़ता है जब आप फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लेते हैं। सो टोटल मिला के आपको फर्स्ट राउंड गैट देना पड़ता है, दैट इज द जनरल एबिलिटी टेस्ट, और जब आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है, और इन दोनों का कलेक्टिव रिजल्ट जब आता है तब आपको पता चलता है कि आपका रैंक क्या है, और उस रैंक के बेसिस में आपको कॉलेज कैंपस अलॉट होता है। अब बात करते हैं डीपनिंग स्पेशलाइजेशन की। डीपनिंग स्पेशलाइजेशन जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस ओवर हो जाता है और आपको कैंपस अलॉटमेंट हो जाता है, कैंपस के जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता है आपका डीपनिंग स्पेशलाइजेशन। डीपनिंग स्पेशलाइजेशन वो स्ट्रीम होती है जिसमें आप आगे की अपनी 2 साल की पढ़ाई करते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि रिटेल, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड थर्ड इज इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन एंड अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड के बारे में पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं कि कोर्स करिकुलम में कैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक मैनेजमेंट कोर्स है, तो इसमें आपको MBA के सिमिलर करिकुलम मिलेगा। तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ने को मिलता है, इसके अलावा आपके साइकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में समझाया जाता है, आपको मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के भी चांसेस है सिखाने के, और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी। सो बेसिक आपको सब सिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको फाइनल सेमेस्टर में डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट जो है वो किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट आप जिस भी सब्जेक्ट में करें वो डिटरमाइन करेगा कि आप फ्यूचर में जॉब किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। वैसे तो ये इनिशियल लेवल की बात है, अगर आप ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट बनाया, इनिशियल लेवल में उस इंडस्ट्री में जॉब भी करी, बट यू आर नॉट very satisfied with the industry and you want to get into the retailing part, then you can of course change your stream also, क्योंकि आपको retailing के बारे में भी आपके course में पढ़ाया गया है। Now let's talk about the career opportunities and the employers after you complete your MFM. So career opportunities में आपके पास बहुत vast industries होती है, जैसे you can get into the management part, जिससे आप regional manager, brand manager, fashion manager भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप marketing में जा सकते हैं, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं, या इन जनरल ब्रांड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप फैशन बायर बन सकते हैं, आप मर्चेंडाइजर बन सकते हैं, आप विजुअल मर्चेंडाइजर बन सकते हैं, या आप एक फैशन कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज सामने आती है वंस यू आर कंप्लीटेड विथ योर फैशन मैनेजमेंट। इसके अलावा निफ्ट के कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के साथ टाई अप्स हैं, जो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। ऐसी कुछ कंपनीज जो आपके प्लेसमेंट्स में आती हैं वो है आदित्य बिरला अपैरल्स, डीकैथलॉन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल्स, टाटा इंडस्ट्री, ये सारे आपको प्लेसमेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि रेमंड्स हैं, एक्सेट्रा, जो आपको प्लेसमेंट में जॉब की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी पार्ट ऑफ आवर वीडियो, विच इज व्हाई टू चूज MFM इन निफ्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको निफ्ट क्यों चूज करना चाहिए। तो जैसे कि आपको अभी तक पता ही होगा दैट निफ्ट इज अ बिग ब्रांड, निफ्ट एक टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज है इन इंडिया। इफ यू वांट टू गेट इनटू द फैशन इंडस्ट्री, कोई भी फैशन रिलेटेड आपको इंडस्ट्री में जाना है, या फिर आपको एसेसरी डिजाइनर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, या फैशन कम्युनिकेशन, फैशन जर्नलिज्म में भी जाना है, या फैशन मैनेजमेंट में जाना है, निफ्ट इज अ ह्यूज नेम। निफ्ट का जो ब्रांड नेम है वो काफी आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। निफ्ट में पढ़ने के बाद आपके साथ एक ब्रांड नेम भी आ जाता है निफ्ट का। MFM आपको क्यों करना चाहिए, तो वो आपकी एक अंदर की कॉलिंग आपको पता चलेगी कि आपको फैशन के बिजनेस साइड को समझना है, या फिर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। आपको बैक एंड में नहीं काम करना है, बल्कि आपको फ्रंट एंड में काम करना है एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर और फैशन कंसल्टिंग। तो आप ये फैशन मैनेजमेंट की डिग्री परस्यू कर सकते हैं। सो येस गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट द फैशन मैनेजमेंट कोर्स ऑफर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर इसके अलावा भी आपके पास और भी कोई डाउट्स है अबाउट द निफ्ट और द MFM कोर्स और एनी अदर कोर्स ऑफर्ड बाय निफ्ट, यू कैन टाइप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय।